Congrats, ladies, हम सब प्रेग्नेंट हैं। मेरे अलावा क्या पार्टी पूपर है? वेटर, हमारे लिए ड्रिंक्स ले आओ, सेलिब्रेशन का टाइम है। अपनी प्रेग्नेंट टीम के लिए कुछ शानदार मॉकटेल लेकर आया हूँ। रुको, क्या तुम भूल गए? ये असली सेलिब्रेशन है। हमने अभी अभी बैंक लूटा है। आज का दिन तो मजेदार है। फर्स्ट हमने बैंक लूटा और आज के दिन हम प्रेग्नेंट भी है। ये हमारे और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। यकीन हो रहा है? मेरे कैफे में लुटेरे हैं। छोरी, तू अंडर अरेस्ट है। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा हम अरेस्ट क्यों हो रहे हैं? सीरियसली, मानो तुम्हें पता ही नहीं, तुमने बैंक लूटा है। अरे, हम पकड़े गए। अरे, लूटा हुआ माल किधर से? क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? हम लोग जेल में हैं, तुम्हें ये जगह आरामदायक कैसे लग सकती है? हाँ यार, तुम्हारे पास टाइम कब था? इन्हें हवाला ले चलो, चार रेप्टे पड़ेंगे, सब बोलेंगे ये लोग। चलो चलो चलो, खड़े हो। रे चुपचाप चल। यकीन नहीं होता, वो कैसी डायन है? नहीं, मैं पुलिस वाली हूँ। और एक डरावनी बिल्ली। हे लेडीज, शांत हो जाइए। तो तुमने क्या किया है? ये लो, ये लो पकड़ो। तुम प्रेग्नेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी, समझ आया तुम्हें कि नहीं? अब बताओ बेटी कहाँ पे है? वो फायर एलिमेंट से डर कर भाग गई। सच में? साफ साफ बता दो कि हम एलिमेंट्स हैं। प्रेग्नेंट भी। क्या बकवास है? अगर ऐसा है तो मैं एलिमेंट्स का मास्टर हूँ। ओए बैटी, तुम कोयले की खान में गई थी क्या? ये जो रेड वाली लड़की है ना, ये आग उगल रही है। ठीक है बैटी, मैं तुम्हें आज जल्दी छुट्टी दे दूंगा। तुम थोड़ा बीमार हो तो हो जाके आराम करो। ये कोई मजाक नहीं है, मैं बेशक आग में भुन गई हूँ, मुझे बुखार है और झटके आ रहे हैं। अरे यार, इनके कपड़े चेंज करवाओ और जल्दी से इनकी फोटो लो, समझी? चलो मैं रेडी हूँ। वो चुड़ैल है। तुम लोगों के कारण बिचारी बेटी पागल हो गई है। खैर कोई नहीं, मारी नजर घनी चौकी से। और लगता है अब हम सलाखों के पीछे रहने वाले हैं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने हम सबको खो दिया और भाग गई। नहीं दूंगी। अरे भूखना बंद करो, ऐसे तो भूखा आ जाएगा यहाँ पे। वाह, मेरा बच्चा तो खुशी से पेट में नाच रहा है। बुरा नहीं है, है ना मेरी लिटिल ब्रीज? मेरा बिस्तर रोएदार बादल की तरह लग रहा है। कितना आराम है। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? हम लोग जेल में हैं, तुम्हें ये जगह आरामदायक कैसे लग सकती है? अरे रोना बंद करो तुम, हमारा सेल ठीक है, हम बस थक गए हैं। तुम्हें दिखता नहीं क्या हमें यहाँ से निकलना होगा, और वो भी जल्दी? क्या तुम सब बिल्कुल पागल हो? हमारा सोना अभी भी उस कैफे में पड़ा हुआ है, हमें उसे लेने के लिए निकलना होगा, वो भी जल्दी। बहुत हो गया चिल्लाना, प्रेग्नेंट औरतों को आराम की जरूरत है। अरे तुम लोग चिल्लाना बंद करो, नहीं तो ऑफिसर टाइलर को बुलाऊंगा मैं। जाओ, जिसे चाहे बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। आग लग गई, आग लग गई। जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से, भागो तुम लोग। कितना मूर्ख है, सब आग से डिस्ट्रैक्ट है और मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? सिंधी ने जरूर फिर से कोई गड़बड़ की होगी। ये हंगामा कैसा, उठो जल्दी, खाने का समय हो गया।
मैंने कहा उठो जल्दी, खाने का समय हो गया है। रुको, चौथी लड़की कहाँ पे है? क्या वो भाग गई? उसकी तो मैं ध्यान दो, एक वांटेड लड़की भाग गई है। ध्यान दो, आई रिपीट, एक वांटेड लड़की भाग गई है। तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? चलो जल्दी, चलो लाइन में जल्दी। देखो जो भी मिल गया उसे बिना शिकायत के खा लो। पर हम तो प्रेग्नेंट हैं। तो इसका क्या मतलब, तुम्हारे दांत नहीं बचे हैं? मुझे तो उल्टी आ जाएगी। रोना बंद करो और खाओ चुपचाप, हमें बैग लूटना ही नहीं चाहिए था। अब देखो हम कहाँ फंस गए हैं। चलो अच्छा है, हम कुछ ना कुछ मैनेज जरूर कर लेंगे। हाँ बस ये तो चाहिए था। सुनो ज्यादा घूरो मत, समझे? क्या लगता है सिंडी सचमुच भाग गई? हाँ, उसने हमें धोखा दिया और वो तो प्रेग्नेंट भी नहीं है। चिंता मत करो तुम, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। हाँ, और वो तो सारे पैसे भी रखने वाली है। वाह क्या बात है, ये कैसे कोई खा सकता है? ओ, ये बेटर है। सीरियसली, सिंडी एक गद्दार है और अब तुम भी हमारा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने बस दलिया को पानी में ही तो बदला है और क्या किया है। हमें यहाँ पर ये बकवास का खाना खाना पड़ रहा है और तुम अपने बारे में सोच रही हो। कंप्लेन करना बंद करो और अपना पेस्ट खाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? तुम बकवास कर रही हो? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं और बच्चा दोनों भूखे हैं। बकवास इंसान, मुझे क्या चलते है ये सब? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे ये खाने में बहुत मजा आ रहा है। पागल हो गई हो क्या तुम? हे, वो मेरा फूल वापस रख दो। नहीं दूंगी, मुझे भूख लगी है। इन प्रेग्नेंट औरतों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। मैंने कहा ना उसे वापस रख दो। ये किसी की बात सुनने से रही? संभल कर वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। मेरे फूल खाने से किसको प्रॉब्लम होगी? अरियल बाहर आओ। क्या ये क्या कर रही हो? मैंने समझाया था तुम्हें। गुड लक स्वीट हार्ट। देख लिया ना, मेरी बात नहीं मानी। जो भी मेरा फूल खाएगा उसके साथ यही सब होगा। मुझे जाने दो, मैं अब पॉट्स में से नहीं खाऊंगी। कौन से पॉट्स? सचमुच मैं नहीं जानती हूँ। नहीं रुको, तुम फ्लावर पॉट से खा रही थी। उप्स। ठीक है, हम उससे बाद में निपटेंगे। तुमसे कोई मिलने आया है। क्या? ओह वाओ, कौन? तुम्हारे आंटी। ओह नहीं, मुझे वापस ले चलो, मैं उन्हें नहीं झेल सकती। रोना बंद करो, और तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, कोई मजाक नहीं, समझी? आप आई ही क्यों? आपने मुझे कैक्टस में बदल दिया और उसके बाद मैंने आपसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। मैंने कभी डाउट नहीं किया। एरियल, सिंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूछने आई थी कि हमारा सोना कहाँ है। और मुझे लगा तुम हमारे लिए आई हो, मुझे नहीं पता। देखो तुमने इसे कहाँ छोड़ा था। वो नहीं मिला, मैंने हर जगह ढूंढा। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने हम सबको खो दिया और भाग गई, और अब हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम सब एक टीम है। टीम के साथ ही एक दूसरे को नहीं छोड़ते। तुमने हम सबको खो दिया और भाग गई। यहाँ क्या हो रहा है? तुम तो वही हो जो जेल से भागी थी। हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। हे लेडीज, मेरी बात सुनो। आजकल हमारी जेल में पता है कौन सी बातें चल रही हैं? अगर एक यहाँ पे मिलने आएगा तो जानते हो क्या होगा, दूसरा भी अंदर जाएगा। क्या मजाक है, समझ गए ना तुम पटाखे वालियों? मेरी जेल से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया है, तो तुम क्या चीज हो? हम आगे देखेंगे। चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप ही जेल आई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तुमने हमें धोखा दिया और अब वापस आ गई हो। मैं ये पता लगाने गई थी कि सूटकेस कहाँ है, याद है? ओह सूटकेस, तो तुमने उसे ठिकाने लगा दिया और लूट का माल हड़पने का सोचा। मैं उसे सब में बांटती। हाँ तुम सही हो। हे,
बेहतर होगा तुम चुप रहो समुद्री मॉन्स्टर। तुम झूठ बोल रही हो। मैं ये पता लगाने गई थी कि सूटकेस कहाँ है। ये सब क्या हो रहा है? बहुत हुआ, मैं और लड़ना नहीं चाहती। बेहतर होगा तुम चुप रहो समुद्री मॉन्स्टर। अरे बस करो, बहुत हो गया। वो कहाँ गई? ड्रामे से बचने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। उसे करने दो जो वो चाहती है। ये रोतड़ू मुझे पागल कर रही है। अरे नहीं, तुमने उसे आग क्यों लगाई? जब सब एक दूसरे का गला घोट रहे हो तो भागना नहीं चाहिए। तुम क्या बोल रही हो? बेहतर होगा तुम चुप रहो समुद्री मॉन्स्टर। बकवास। जब सब एक दूसरे का गला घोट रहे हो तो भागना नहीं चाहिए। मुझे उसके लिए बुरा लगा। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारी दोस्त है। ये वापस आ गई? हाँ वापस आ गई। अब चलो पता करें कि गोल्ड बार्स कहाँ है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? करने की तैयारी कर रही हो? बस अब बहुत सुन लिया है मैंने। अब मैं तुम सबको एक स्पेशल जेल में डाल दूंगा। अचानक तुम सबको क्या हो गया? दर्द हो रहा है क्या? ये प्रेग्नेंट लड़कियां भी ना। अब तुम सब डॉक्टर के पास जाओगी, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है ना? और कोई चलाकी नहीं, तुम्हें नहीं जाना। वो कितना मूर्ख है। हाँ तो चलो देखते हैं अंदर कौन है। ये सब क्या हो रहा है? ये एक हवादार बच्चा है, बहुत ही ज्यादा कीमती। कीमती? इसमें कीमती क्या है? इसके पेट के अंदर तो बादल भरे हुए हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। चलो आओ अंदर अगला। चलो अब तुम्हारी जांच करके देखते हैं अंदर क्या है। ओह देखो तो, ओह मेरा बच्चा अभी से तैर रहा है। ओह मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये सब भला क्या बकवास है? गर्भ में भला बच्चे कहाँ तैर सकते हैं? यहाँ तैर भी सकते हैं शायद। वाटर एलिमेंट्स के बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो। अगला कौन है? अंदर आ जाओ। आशा करती हूँ तुम्हारे अंदर सब ठीक ही होगा। तुम्हारे पेट के अंदर तो एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर तुम हो? ये मेरा मिट्टी का बच्चा है। अरे देखो ना कैसे फूल छपा रहा है। पर इसके पास फूल आया कहाँ से? किसने इसे फूल लाके दिया है? तुम बहुत बुरी हो। चलो जाओ, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड नहीं करने वाली हूँ। क्या वो काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सिक्योरिटी, हे चुप रहो वरना चीजें जल्दी गर्म हो जाएंगी। ठीक है ठीक है, शांत में जानी। ये हुई ना बात। आखिर तेरे अल्ट्रासाउंड मशीन जलाया कैसे है? इप ससुरी तो एक सप्ताह तक टॉयलेट ड्यूटी करेगी। ओह कम ऑन, मुझे इसे जलाना आसान लगा। अरे चल अंदर जा। रे ससुरी अपने दोस्तों से सीख, अपने बच्चे के लिए पालना बना। रे थारा नंबर भी तो आएगा ना, फिर थारा बच्चा सोएगा किधर? सीरियसली मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। अच्छा ऐसा है, तो हमारे लिए खाना बनाने वाली मशीन बना दे। चिल करो और हमें ज्वाइन कर लो। हाँ ये कमाल होगा। तुम लोग बिल्कुल पागल हो। तुम्हें लगता है जेल में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना अच्छा है? मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूँगी। ओह मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पैदा होने वाला है, मुझे तो बस चाहिए कि वो एक हेल्दी बच्चा हो। सीरियसली उस कूड़े को देखो जिसमें हम रह रहे हैं। बच्चों को अच्छी कंडीशन में बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब हम बैंक लुटेरे हैं। अच्छी कंडीशन लग्जरी है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। असल में हम बाहर निकल सकते हैं। क्या? हाँ अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो। ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले बार मेरे लिए काम नहीं किया। हालांकि मैं इसे दूसरा मौका दूंगी। और मुझे अभी भी नहीं पता कि चुराया हुआ सोना कहाँ है। चिंता मत करो,
हम यहाँ से जल्दी ही निकलेंगे और उसे ढूंढेंगे। मुझे यकीन है सिंडी ने सही से ढूंढा नहीं होगा। चुप करो वरना तुम्हें सोना नहीं मिलेगा। तो क्या सच में तुम लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार हो? हाँ! सीरियसली? ठीक है तो हमें एक प्लान चाहिए। अजीब बात है, बहुत शांति है। आमतौर पर तो वो दोनों लड़ती रहती हैं। कुछ तो बात है। हे, यहाँ क्या हो रहा है? क्या दिखाई नहीं देता? हम सोडा पी रहे हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? सरप्राइज! मैं ऑफिसर टाइलर को बुला कर लाती हूँ और वो तुम्हें बताएंगे कि स्वीट्स और ड्रिंक लाना जेल में वर्जित है। टेंशन मत लो, ठीक है? इसे हमारे बीच में ही रहने दो, ओके? ठीक है, जल्दी करो और सारा खत्म करो। हो गया, अब मुझे सचमुच जाना पड़ेगा। हमारे बाथरूम की पाइपलाइन भी टूट गई है। अब मैं क्या करूं? जल्दी करो, हमें बाथरूम की ओर ले चलो यार। ओह हाँ, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? कि तुम भूल गई कि हम प्रेग्नेंट हैं। चुप हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें बाथरूम लेकर जाऊंगी, आवाज कम करो। हमारा प्लान मत भूलना। मैंने सब कंट्रोल में कर लिया। ओह, ये स्मेल कैसी है? तुम लोग टॉयलेट जाना चाहती थी ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अरे मुझे तो उल्टी आ जाएगी। अरे तुम लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? जल्दी से अपना काम खत्म करो, वापस तुम सबको जेल जाना है। तुम कैसे उम्मीद करती हो कि हम इन सलाखों वाले टॉयलेट में जाएंगे? यहाँ सब कुछ दिखता मैं है। मैं नहीं देखूंगी। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें इसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। हद हो गई है, मुझे इस प्रेग्नेंट औरतों से क्यों नहीं पटता है? वरना मैं टायलर को बुलाकर लेकर आऊंगी। नहीं, जब तक हम टॉयलेट यूज नहीं कर लेते हम हार नहीं मानेंगे। हमें अच्छा टॉयलेट चाहिए। हमें एक अच्छा टॉयलेट चाहिए। हमें एक अच्छा टॉयलेट चाहिए। हमें प्रॉपर टॉयलेट चाहिए। हमें प्रॉपर टॉयलेट चाहिए। हमें प्रॉपर टॉयलेट चाहिए। हम बाथरूम के बिना ही रह लेंगे, पर हमारे बात उसे साहब तुम्हें करना होगा। हमें वापस लेकर चलो, हम नाराज हैं। ये प्रेग्नेंट औरतें तो हद है। चलो चले। गर्ल्स, हमारे पास सेल की चाबी है, तो भागने के लिए तैयार? हाँ, चलो सबके जागने से पहले जल्दी निकल चले। जल्दी चले, जल्दी निकलो। तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो हमारी बात सुन लेंगे। मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन हो रहा है। क्या? क्या हो गया? आधी रात में क्यों चिल्ला रही हो? मिया का बच्चा होने वाला है। अरे नहीं, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अब तुम भी, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाय रब्बा, ये सब दिन में करवा देता, रात में क्यों करवा रहा है? जल्दी करो, डॉक्टर ले आओ। हाँ हाँ लाता हूँ। गहरी सांस लो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने छोटे जलपरी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। और ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। हिम्मत रखो, गहरी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। उप्स, सॉरी। देखो, चिल्लाना बंद कर दो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। हाँ वही तो, भला मैं क्या कर रही हूँ? बधाई हो मॉमीज, तुम सब ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। मैं इसे तो पूरी जिंदगी देख सकती हूँ। हाँ मैं भी, ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारी खुशियों को रोकना तो नहीं चाहती, लेकिन अब वक्त आ गया है सेल में वापस जाने का।
मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। माँ बनना ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाए। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। विश्वास नहीं होता कि बच्चों को यहाँ पालना कितना मुश्किल है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जेल में माँ बनना आसान नहीं है। ओह, फाइनली वो सो गए। मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ मिले। हमारा खजाना कहाँ है? यही तो हमें पता लगाने की जरूरत है। चलो सोचे कि इन लोगों से कैसे बचाया जाए तुम्हारे बच्चों को। हमें चाबियाँ तो मिल गई हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो बच्चे चिल्ला सकते हैं और हम पकड़े जाएंगे। काश कोई हमें मदद करे यहाँ से निकलने के लिए। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पति को एक लेटर भेजूंगी। और वो कैसे मदद करेगा? उसके पास एक हेलीकॉप्टर है, हम उसमें बैठेंगे और दूर चले जाएंगे और पुलिस पकड़ भी नहीं पाएगी। क्या बकवास है ये। तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है? नहीं। चलो एक बार ट्राई करें, वैसे भी पकड़े जाने के चांस कम है। क्या ये तुम्हारे पति का हेलीकॉप्टर है? बेवकूफ। ठीक है, तो मैं उसे लेटर भेजूंगी और मदद मांगूंगी, और अब हम इंतजार करेंगे, बेहतर है वो आ जाए। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे थारे से मिलने थारा राजकुमार आया से। वाओ, इतनी जल्दी? हाय डार्लिंग, मैं जानती थी तुम्हें अब भी परवाह है मेरी और तुरंत आ जाओगे तुम। असल में मैं ये कहने आया हूँ कि मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तलाक की अर्जी दे रहा हूँ। लेकिन क्यों? तूने एक बैंक लूटा है, भैंस की टांग मेरी पत्नी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम ये कैसे? देखो हमारा बच्चा, क्या तुम खुश नहीं हो? बच्चे को देखकर खुशी हुई, तेरे को देखकर नहीं। अब मुझे लेटर भेजना बंद कर, सब खत्म हो गया है। अच्छा, समझ गई मैं, सब तुम्हारे बारे में है। आवाज नीचे, कंटा पे बजा दूंगा मैं। मैंने सोचा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या हुआ अगर मैंने बैंक लूट ली? क्या ये कोई इतनी बुरी बात है? हाँ ये बुरा है। हल्ला काय मचारी से, चल छोरी थारा समय अब पूरा हो गए हो। छोड़ो मुझे। अगर ग्रुप में भागने का प्लान फ्लॉप हो गया तो मैं अकेले ही भाग जाऊंगी। तुम एकदम गधे हो क्रिस, माँ एकदम सही कहती थी, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। तेरी माँ भी तेरे तरह कोई संत थोड़ी है। छोरी बहुत हो गया थारा, बहुत नाटक खेल लिया मैं। अच्छा हुआ ये जेल की चाबी मुझे पहले ही मिल गई थी। फिर मिलते हैं लूजर्स। तुम्हारी दोस्त वो भाग गई है। क्या? हद है, गद्दार, उसने हमें धोखा दिया और भाग गई। हाँ, क्या तुमने उसकी मदद की? सीरियसली, हम उसकी मदद करके यहाँ क्यों फंसे रहेंगे? उसने हम सबको धोखा दिया, कैसी डायन है। शायद उसके पास कोई रीजन होगा इसका। बिल्कुल रीजन है, वो माल को हड़पना चाहती थी। क्लियर एंड सिंपल। हमें ढूंढना होगा और जानना होगा उसने ऐसा क्यों किया है। घटिया लोगों का बचाव करना बंद करो, आखिर वो एक धोखेबाज है। नहीं, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मैं बाथरूम के लिए निकलूंगी और उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है ये तुम्हें शांत कर देगा। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे शावर की ओर ले जा सकते हैं? क्यों ले जाना चाहिए, तुम्हें महीने में एक बार नहाना चाहिए। वो भी जंग लगे हुए टब में। प्लीज, मेरे पास बेबी है और उसकी वजह से मुझे क्लीन रहना जरूरी है। तो अब क्या है? और वैसे भी मुझे अपने हाइजीन का भी ख्याल रखना होगा, वरना मेरी तबीयत खराब होगी। तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रही हो, एक और टॉयलेट की नौटंकी। नहीं, आई प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन जल्दी, कोई मजाक नहीं, समझी? आपका शुक्रिया। ला 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 ला। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? टायलर चेकअप के लिए आने ही वाला है, तुम्हें सेल में जाना होगा। एक मिनट प्लीज, ऑलमोस्ट हो ही गया है। मैं लिली को इस शावर हेड की मदद से एक मैसेज भेजूंगी। हाँ हाँ, हो गया है ऑलमोस्ट। सुनाई दे रहा है तुम अब नहा नहीं रही हो, बाहर आओ। कितनी पकाओ है। hey, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और जो भी मैं कर रही हूँ उस पर कान लगाना सही बात है। ये सब मेरा काम है, हम जेल में हैं, स्पा में नहीं है। इडियट कहीं की। हेलो लिली,
मैं हूँ मिया। वो अंदर किससे बात कर रही है? तुम चुपचाप फोन लेकर अंदर आई हो? अरे नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम हमसे कोई बात किए बिना ही अकेले चली गई? क्या तुम हमारे लिए वापस आओगी? जवाब देना प्यार तुम्हें, हम तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसे दरवाजा पीटने से क्या होगा? अरे यार, दरवाजा क्यों पीट रही थी? चलो जल्दी चलो, टायलर चेकअप करने के लिए आने ही वाला होगा। तुमने धोया भी है अपने आप को? तुमसे मतलब मियां कही की? चलो। हाय, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे तो इससे नफरत है, देखना यहाँ पे ऐसा गंदा नाले का पानी पिलाऊंगी ना कि फिर कभी नहीं आएगी यहाँ पर। ये शोर कैसा है? हेलो लिली, मैं हूँ मिया। अरे नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम हमसे कोई बात किए बिना ही अकेले चले गए? क्या तुम हमारे लिए वापस आओगी? जवाब देना प्यार तुम्हें, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लगता है इसका दिमाग सचमुच में चल गया है। पता नहीं ग्लास को कान में लगाकर क्या सुन रही है। How cute! मिया ने मुझे नाले के पानी में मैसेज भेजा है। वाओ! रुको, क्या ये पानी पीने का नहीं है? अरे भला, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? इतना फ्रेश पानी तो निकाल के दिया है मैंने तुम्हें अभी। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। खैर कोई बात नहीं, मिया स्मार्ट जरूर है, लेकिन अब मुझे उसकी या बाकी लड़कियों की परवाह नहीं है। मुझे अब उनकी जरूरत ही नहीं। अब ये गोल्ड बार्स वाला सूटकेस का है, मैं इसे ढूंढ लूंगी और एक शानदार लाइफ जीऊंगी। कहाँ होगा? यहाँ पर नहीं, यहाँ शायद, यहाँ। तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो? हाँ, क्या तुमने आसपास कोई सूटकेस देखा है? सूटकेस नहीं तो, और अगर वो मुझे मिल भी जाता तो मैं उसे तुम्हें ना देके अपने पास रख लेती। तो शायद तुमने इसे ले लिया। देखो, तुम ऐसे बार बार मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। क्या तुमने पक्का इसे नहीं देखा है? मैंने कहा ना नहीं, और ऐसे भटकना छोड़ दो। कुछ लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। सूटकेस पता नहीं कहाँ चला गया। लड़कियों से फिर से मिलना होगा और पता लगाना होगा कि सोना कहाँ है। ये भिखारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम आज कुछ वैरायटी है, जेल का वही नॉर्मल खाना नहीं। मिट्टी का रंग। मैं हूँ लिली। शांत रहो, वो लोग सुन लेंगे। क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला था और तुम वही सुन के यहाँ आई हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहने आई थी कि मुझे भी हमारा सोना नहीं मिला। बिल्कुल, तुम्हें तो केवल पैसों की ही परवाह है। तुम रसोई में कैसे पहुँची? वेंट में फिसल गई थी। तो जल्दी बताओ कि लूट का माल कहाँ है? हमने कुछ भी नहीं लिया है, मेरी बात का विश्वास करो। हाँ, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने भागने में मदद की तो हम मिलकर सूटकेस ढूंढ सकते हैं। पता था मुझे तुम्हें बचाना होगा। हाँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, समझे? खिड़की के रास्ते चलो, चलो जल्दी। क्या ठीक वही? हाँ आ जाओ, यहाँ एक एग्जिट है, चलो जल्दी आओ। ठीक है, अभी हमें एक सुरंग खोदनी है और भागना है। इसके लिए टाइम नहीं है, पुलिस कभी भी आ जाएगी। तुम्हें क्या लग रहा था, खिड़की से कूदोगी और चिड़िया की तरह उड़ जाओगी? थोड़ा दिमाग लगाओ। आखिर हम करने क्या जा रहे हैं? रंगे हाथों पकड़ी गई। छोरी कहाँ भाग रही से? जब तक थारी सजा पूरी ना हो जावे तू चौकी में ही रहेगी। तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूँ। बच्चों को जन्म देती हो, फिर ऐसे भागने की तैयारी करती हो, नॉर्मल लोगों की तरह बर्ताव नहीं कर सकती क्या? क्योंकि हम बदमाश है, जीनियस है, नॉर्मल नहीं हो सकते। मैं तुम्हें फिर भी सलाखों के पीछे डाल दूंगा और तुम वहीं पे सड़ते रहोगे। मैं ऑफिसर टायलर, कोई मजाक नहीं है। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, ये बचने का आखिरी मौका है, मैं इसे जरूर करूंगी। किसका इंतजार कर रहे हो? बैकअप को बुलाओ और उनका पीछा करो। चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ। तो अब क्या करें हम? हमारे साथ बच्चे भी हैं। हमें लूट का माल ढूंढना होगा, लेकिन पहले आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढो। हम कहाँ छुपेंगे? मेरे तो पति ने भी मुझे छोड़ दिया। ये रो
सोने का टाइम नहीं है, पुलिस हमारे पीछे लगी है। फिर तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? हम जेल से बाहर निकले और हमारा सारा सोना गायब है। क्या तुम झगड़ा शुरू करना चाहती हो? अब बंद भी करो लड़कियों। ओह, ये मेरे लिए है। क्या? अभी तुम अपना अपना देख लो, मैं तो चली यहाँ से। मिया, आखिर बात क्या है? उप्स, मेरे पास है गोल्ड का खजाना। खूबसूरत है ना? इसे हमें दे दो। शायद हमें अपने साथ ले चलो। नो वे, मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ। वो वहाँ पे है, उन्हें पकड़ो। तुम ये कैसे? तुमने सारा सोना खुद हड़प लिया और हमें अकेला छोड़ दिया। बेवकूफ, मुझे तुम सबकी क्या जरूरत, और तुम्हारे बच्चों की भी। तुम पकड़े गए, अब हम तुम्हें हाई सिक्योरिटी जेल में डाल देंगे। रे छोरी, किधर भागने की सोच रही है? मिया, हमें बचाओ। वो नहीं होने वाला, लेट लूजर्स। नहीं, हमें छोड़कर मत जाओ। गद्दार कहीं की, पता था वो कुछ करने को तैयार है। चुप करो, चलो चौकी में। क्या हम यहीं फंसे रहेंगे जबकि वो बेवकूफ एकदम ही आजाद घूम रही है? जिंदगी भर नहीं, हम उसे सबक सिखाएंगे। भले मैं हजार बार पकड़ी जाऊँ, मैं उसे पकड़ के रहूँगी। चुप रहो, आज सबको सजा मिलेगी। जाओ और अब फिर से जेल की हवा खाओ। मेरी प्यारी बच्ची, ये सब तुम्हारा ही तो है। और मामा तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करेगी, और स्पाइल भी। ये देखो, तुम्हारे लिए पूरा का पूरा गोल्ड। सोना कहाँ गया? ओह नो, गाड़ी रोको अभी, मैं कह रही हूँ। बिल्कुल नहीं। क्या? तुम्हारे पास सोना नहीं है और तुम्हें फिर से जेल में डाला जाएगा। हे दोस्तों! तो दोस्तों, आपको याद है वो कॉन्टेस्ट जो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए किया था? सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अब सुनो, हम कम्युनिटी में आप लोगों के साथ फोटो पोस्ट करने का अपना वादा नहीं भूले हैं। हाँ, हम नजर रख रहे हैं और जल्दी आप में से किसी एक के साथ फोटो शेयर करेंगे, शायद आप में से कुछ के साथ भी। स्कूल क्वीन वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स डालें, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। मजेदार होने वाला है। हम इसे कैसे शुरू करना चाहिए? वो क्या मजाक है? नहीं, बस यूं ही। अरे मैं बिल्कुल भूल गई। शांत, मैं जा रही हूँ। हाँ, बाहर भाग जाओ अभी। हाँ, सही है। हम बिल्कुल इसके लिए भाग सकते थे। मैं अभी ऑफिसर टाइलर को बुला रही हूँ और वो तुम्हें बताएंगे कि कौन से स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर आ सकते हैं। तुम्हें हमेशा इतनी बकवास क्यों करनी होती है? ये हुई ना बात। हमें प्रॉपर टॉयलेट चाहिए। अरे यार, मैं टॉयलेट कैसे फंस गई हूँ, लाइन भूल गई। मैंने सोचा कि हमारे बीच कुछ खास है, तो क्या हुआ अगर मैंने बैंक लूट लिया तो? क्या कुछ भी नहीं। अब क्या प्लान है दोस्तों? और बार करते हैं, ठीक है?